नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर का चुनाव संपन्न हो चुका है। महापौर के लिए कांग्रेस से निर्मल कोसरे को पार्षदों ने अपना नेता चुना है। निर्मल कोसरे को 24 वोट और बीजेपी से उम्मीदवारी कर रही नंदिनी जांगड़े को 16 वोट मिले। सभापति के पद पर कृष्णा चंद्राकर ने जीत हासिल की है। लगातार 20 साल तक बीजेपी के कब्जे वाले नगर निगम चरोदा में इस बार कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में 3 जनवरी को नए महापौर के रूप में कांग्रेस के निर्मल कोसरे और सभापति के रूप में कृष्णा चंद्राकर को 40 पार्षदों ने चुन लिया है। इस दौरान भिलाई चरोदा निगम में एक दिन पहले शपथ की तैयारियां चल रही थी। 3 जनवरी को कलेक्टर ने पहले सभी 40 पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया, तत्पश्चात महापौर और सभापति प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म जमा किया। दोपहर 2 बजे के बाद महापौर के रूप में निर्मल कोसरे को, सभापति के रूप में कृष्णा चंद्राकर को चुना गया। निर्मल और कृष्णा को 24-24 मत मिला। वहीं भाजपा की महापौर नंदिनी जांगड़े और सभापति प्रत्याशी को 16-16 मत मिले। वहीं जीत को लेकर नवनिर्वाचित महापौर निर्मल कोसरे व नवनिर्वाचित सभापति कृष्णा चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व में भिलाई चरोदा के साथ जो छत्तीसगढ़ में जो नगरी निकाय के चुनाव हुए हैं, भिलाई चरोदा की जनता ने कांग्रेस के ऊपर मुहर लगाई है। 20 वर्षों बाद हमारी निगम में सरकार बन रही है। भूपेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारे भिलाई चरोदा के पूरे 40 वार्ड में, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नक्शे कदम में चलते हुए छत्तीसगढ़ में नंबर 1 नगर निगम भिलाई चरोदा होगा। ये जो आज हम लोग बने हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का देन है, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी का देन है, क्योंकि उसके विकास के कारण जो आज इतने पार्षद आए हैं वो उन्हीं का देन है। कार्य बहुत अच्छा रहेगा। आज जो 20 साल में कार्य नहीं हुआ इस निगम को हम वो कार्य कर बताएंगे, क्योंकि हमारे पास फंड की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी है, इसलिए विकास कार्य बहुत जोरदार होगा, जो जनता को विकास जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जनता इसमें बहुत खुश रहेंगे। गौरतलब है कि 20 वर्ष बाद जनता को कांग्रेस का महापौर सभापति मिल गया है। खबर लगते ही आसपास के कांग्रेसियों द्वारा बड़ी रैली के रूप में वाहन में सभापति और महापौर को बैठाकर गाजे बाजे के साथ रैली निकाली गई। इसके अलावा सीएम हाउस भिलाई 3 और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के निवास पहुंचकर महापौर निर्मल कोसरे और सभापति कृष्णा चंद्राकर ने आभार जताया। वहीं इस बड़ी जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार, भिलाई चरोदा के चुनाव प्रभारी अटल श्रीवास्तव व पूर्व सभापति विजय जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे कि मैं शुरू से ही मैं बोलते आया कि हमारा चेहरा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए, विगत 3 वर्षों में जो उनके द्वारा जो विभिन्न करोड़ों के जो विकास कार्य जो कराए गए उसको देखते हुए, जनता का एक तरफा साथ हम सबको मिला है और जनता के सहयोग से हमारे पार्षद जीत गया है, और जनता के सहयोग से आज हमारा मेयर और सभापति दोनों बन के आए हैं, तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा कि शुरू से ही हम लोग, हमारा जो कार्यकाल है 3 साल का कार्यकाल हो रहा है सरकार बने, और 3 साल के कार्यकाल में चाहे यहाँ पे सड़कों की बात हो या स्वच्छ पेयजल की बात हो या ट्रांसपोर्ट नगर जैसी समस्या की बात हो इत्यादि, इस प्रकार के हर एक कार्य ऑलरेडी स्वीकृत हो चुके हैं, और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह क्षेत्र है, साथ ही साथ में उनका पूर्व में यह विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ का विकास अच्छे से होगा। बल्कि जैसे कि 20 साल की बात आ रही है, तो हमें तो लगता है कि यहाँ की जनता माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही थी। मुख्यमंत्री जी का यशस्वी मुख्यमंत्री जी का 3 साल का विकास कार्य, और अहिरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जब गुरु जी का पादार्पण हुआ तो ये जीत गुरु जी को समर्पित है। उनके 3 साल मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में उन्होंने जो विकास कार्य किया तो जनता का एक विश्वास पैदा हुआ कि, और मेरा ऐसा मानना है कि चरोदा भिलाई आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत नगर निगम होगा। यहाँ की जनता को हर सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सब कुछ संभव हुआ है माननीय गुरु रुद्र कुमार जी के कारण। पिछले 3 सालों से वो हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि हैं। बहुत सारी हमारी रुकी योजनाएं जो है गुरुदेव के आने के बाद ही चालू हुई है, और उसमें साथ मिला हमें माननीय भूपेश बघेल जी का, और इस तरह 2 रथ के घोड़े पे सवार होकर भिलाई 3 वासी
आज विकास के रथ पे सवार है और इसी का प्रतिबिंब है जो ये परिणाम मिला है हमें, ये इसी का प्रतिबिंब है कि अब हम विकास के रास्ते पे चल पड़े हैं और इन 5 सालों में हम वो करके दिखाएंगे जो इन लोगों ने 15 सालों में नहीं करके दिखाया है। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।